उत्तर प्रदेश से एक खबर है। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन आज है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। देवरिया, बुलंदशहर, मल्हनी, घाटमपुर में उपचुनाव होगा। टूंडला, नौगांव, सादात, बांगरमऊ में भी उपचुनाव होने वाला है और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी है। सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंकने वाले हैं क्योंकि आज ही आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। पुनीत मोहन संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से लगातार तैयारी चल रही है उपचुनाव के यूपी में और आज चुनाव का आखिरी दिन है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और लगातार हर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, प्रयास कर रही है कि 7 की 7 सीटों पर परचम लहराने में वो सफल हो। ऐसे में कहीं ना कहीं से सेमीफाइनल भी देख करके चल सकते हैं क्योंकि 2022 में यूपी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उपचुनाव का, यही दिशा है। कहीं ना सीख मिलेगी इससे जिन पार्टियों के प्रति वोट प्रतिशत में कटौती होगी कि जमीन पर काम करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 7 सीटों पर सपा का परचम लहराता है या भाजपा का परचम लहराता है या बहुजन समाजवादी पार्टी का परचम लहराता है। हालांकि जीत के दावे हर पार्टी कर रही है जी। और पुनीत, देखने में ये भी मिल रहा है कि हो सकता है कि इस बार सीएम योगी को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़े क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी उठे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से प्रदेश की जनता में रोष है और कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और लामबंद है, ऐसे में इन 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है ये भाजपा की आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, अगर जनता खासा नाराज है तो उसका खामियाजा बीजेपी को इन 7 उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा जी। जी जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।